जय हिंद मित्रों। तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे ढकेला। सोनांचल में बृहद मनाई जाएगी पूजनीय भगवान श्री परशुराम की जयंती। पूजनीय भगवान श्री परशुराम का संपूर्ण जीवन व्यवस्था परिवर्तन और समाज सुधार के लिए था समर्पित। डॉक्टर के एन उपाध्याय और शिक्षाविद श्री पारसनाथ मिश्र। भगवान श्री परशुराम की जयंती व्यापक रूप से नगर नगर गांव गांव मनाने का लिया गया निर्णय। सोनभद्र नगर के पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में भगवान श्री परशुराम जयंती आयोजन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए समिति के संरक्षक डॉक्टर के एन उपाध्याय ने कहा कि पूजनीय भगवान श्री परशुराम का संपूर्ण जीवन सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए जाना जाता है। पूजनीय भगवान श्री परशुराम जी ने सदैव समाज विरोधी नीतियों गतिविधियों और व्यवस्थाओं को समाप्त किया। सुव्यवस्थित समाज निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर शिक्षाविद श्री पारसनाथ मिश्र ने कहा कि पूजनीय भगवान श्री परशुराम जी का उल्लेख रामायण महाभारत भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे धरती पर वैदिक संस्कृत का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं ने बसाए जिसमें कोकड़ गोवा और केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार पूजनीय भगवान श्री परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे ढकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया। इसी कारण कोकड़ गोवा और केरला में भगवान श्री परशुराम वंदनीय हैं। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे, कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखने का था। वे चाहते थे कि सारी सृष्टि पशु पक्षियों वृक्षों फल फूलों और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। यह विज्ञात है कि पूजनीय भगवान श्री परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यकाल में ही अपनी माता की से सीख ली थी। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात किया करते थे। यहाँ तक कि कई खुखार वनेले पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। इसलिए उनके जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए पढ़ाया जाना आज के लिए अत्यधिक आवश्यक है। गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक रवि प्रकाश चौबे, भारतीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य गणेश देव पांडे ने कहा कि वृक श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से संपन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्व वंद्य महाबाह पूजनी भगवान श्री परशुराम का जन्म हुआ। वे भगवान विष्णु के 19वें अवतार हैं। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री विनोद कुमार चौबे, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज धर द्विवेदी ने कहा कि भगवान परशुराम की संपूर्ण जीवन को यदि देखा जाए तो आज यह महत्वपूर्ण हो गया है कि उनके जीवन पर आधारित कल और आज विषय पर चर्चाएं हों। इन्होंने केवल अपना ही नहीं या अपने ही समाज का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु कार्य किए, जिसके कारण आज हमारे भगवान श्री परशुराम पूजनीय वंदनीय हैं। बैठक को यतीन्द्रनाथ उपाध्याय, रमाकांत शुक्ला, मनोज शर्मा, राकेश पांडे, प्रवीण चंद्र पांडे, आनंद त्रिपाठी, अरुण पांडे ने भी संबोधित करते हुए कहा कि अब वह समय आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर समाज हित राष्ट्रहित के बारे में पूरा योगदान देना चाहिए, क्योंकि विधर्मियों राष्ट्रद्रोहियों समाज को खंडित करने वाले पापियों ने मिलकर राष्ट्र विरोधी कुचक्र चलाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया है। बैठक में विकासखंड नकवा से विनय पांडे, धीरेन्द्र दुबे, श्याम सुंदर पांडे, अशोक पांडे, वीरेन्द्र दुबे, रविंद्र कुमार चौबे, विकासखंड चतरा से गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक श्री रवि प्रकाश चौबे, शासकीय अधिवक्ता श्री धनंजय शुक्ला, श्री अमरेश चंद पांडे, श्री अरुणेश चंद पांडे, विकासखंड रावर्सगंज से प्रधान श्री सूर्य चंद शुक्ला, श्री राधारमण त्रिपाठी, श्री चंद्रकांत पांडे, प्रधान श्री सर्वेश्वर तिवारी, श्री मनोज द्विवेदी, श्री विजेंद्र देव पांडे, श्री आराध्य कुमार मिश्र, श्री अनिल कुमार उपाध्याय, विकासखंड कर्मा से श्री अमरचंद पाठक, राजेश मिश्रा, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, मनीष मिश्रा, श्री अभयकांत दुबे, डॉक्टर मनोज मिश्रा, विकासखंड घोरावल से भारतीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री गणेश पांडे, श्री राजकुमार चौबे, श्री सुनील चौबे, श्री करुणाकर पाठक, श्री सूर्यमणि तिवारी, श्री देवेंद्र पांडे, श्री अरुण पांडे, विकासखंड चौपन से मनोज चौबे, श्री अनिल तिवारी, श्री सिया शरण त्रिपाठी, विकासखंड दुद्धी से अधिवक्ता श्री मनोज मिश्रा, श्री मनोज तिवारी, विकासखंड मेवरपुर से श्री प्रवीण चंद पांडे, श्री मनोज शर्मा, श्री राकेश पांडे, विकासखंड बबनी से श्री राम प्रकाश पांडे, श्री अमरदेव पांडे, श्री अरविंद दुबे, सोनभद्र नगर से श्री आनंद त्रिपाठी, श्री रमाकांत शुक्ला, श्री राज नारायण तिवारी, श्री अतीन्द्रनाथ पांडे,
कमलेश चौबे उपस्थित रहे। बैठक का सफल संचालन पंडित आलोक कुमार चतुर्वेदी और पंडित कमलेश कुमार चतुर्वेदी ने किया। जय हिंद।